4 नंबर राहु का नंबर है। राहु की सोच अद्भुत है, महत्वाकांक्षी है, नियम बनाते हैं खुद के लिए नहीं, बातें नियम की करेंगे खुद के लिए नहीं, क्रम पर विश्वास करते हैं, हर प्रकार की वो बात बोलेंगे जो खुद पे लागू नहीं होगी, दूसरों के विचार जल्दी समझ में नहीं आते। सोच ऐसी है जहां 4 नंबर वाले सोच ऐसी सोचते हैं, जहां लोग रुकते हैं सोच वही है, वहां से शुरू करते हैं, बहुत स्ट्रांग, बहुत दूर की सोचते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक होता है, क्योंकि खुद पे नहीं नियम होते हैं। सोच इनकी आगे की होती है, इनके दुश्मन बहुत जल्दी खड़े होते हैं, विरोधी इनके बहुत जल्दी होते हैं, इनकी वाणी के अंदर ही विरोध होता है, क्योंकि ये जो बोलते हैं जैसे मैंने अभी बोला अपने पे लागू नहीं करते। दे स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, इगो सेंट्रिक होते हैं ये लोग, दिखाते नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, बोलेंगे नहीं ऐसी बात, कब क्या बोल जाए कुछ नहीं पता, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, लेकिन मानेंगे नहीं। इनकी डिजायर फुलफिलमेंट की इच्छा, ग्रीडी, ग्रीड की इच्छा बहुत स्ट्रांग होती है, पर महसूस नहीं करने देंगे ये लोग, जो होते हैं ना वो महसूस करवाना नहीं देना चाहते। इट्स लाइक एन इल्यूजन, जैसा होता वैसा दिखता नहीं, जैसा दिखता वैसा होता नहीं, तो इनका जो शीशा है ना आईना, वो वैसा नहीं है जैसे है दिख रहा, वैसा नहीं है ये। इनकी जो थिंकिंग है, इनकी थिंकिंग वक्त के अनुसार चलती है, दे आर नॉट स्टेबल थिंकर नहीं है, दे आर नॉट ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, ऑलवेज पॉजिटिव इज नॉट दैट वे, देयर थिंकिंग पैटर्न कम्स विद द टाइम, सिचुएशन के अनुसार, और बहुत जल्दी ऑप्टिमिस्टिक से पैसिविस्टिक हो जाते हैं लोग, बहुत जल्दी नकारात्मक विचारों वाले हो जाते हैं। इनकी दाल ना गले ना तो कुछ भी बोल सकते हैं, ये फिर दूसरों को बोलना चाहिए ये बेकार है, इससे कोई फायदा नहीं है, बेकार की बात है, तुम क्या बेकार का काम करते हो, इसे कुछ होता तो नहीं, ऐसे दूसरों को ज्ञान देंगे उल्टा, अगर इनका ना बने तो दूसरे को बहुत जल्दी डीमोटिवेट भी कर देते हैं लोग, लेकिन कुछ कर गुजरने के लिए जो क्षमता है वो इन पे है। 4 नंबर, कुछ कर गुजरने की क्षमता इन पे बहुत स्ट्रांग होती है, ये लोग जो ठान लेते हैं ना वो करके छोड़ते हैं, जो ठान लिया वो ठान लिया, वॉट एवर इट मे टेक्स, वॉट एवर इट इज अ सिचुएशन इन लाइफ और इन एनी वे, दे विल डू इट, अगर ठान लिया तो। जुनून होता पागलपन, दे लाइक वाइस, अगर भूत सवार हो जाए तो करके छोड़ेंगे। चार नंबर, मित्रों के साथ ठीक ठाक होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, छल कपट जनरली नहीं करते मित्रों के साथ, लेकिन अगर करप्ट हुए तो अनएथिकल करने से रुकते नहीं है, दे प्रिटेंड टू बी वेरी इथिकल, बट अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो नहीं है। इनके जीवन में, अगर इनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं,
इनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आता है, इट्स लाइक ए झूला जीवन। और उल्टे सीधे कामों से इनको फायदा भी होता है। ये निर्णय या तो बहुत तेज जल्दी में लेते हैं या नहीं ले पाते, बैलेंस निर्णय नहीं होते। जिस दिन ये बैलेंस निर्णय लेना शुरू कर दे, इनकी जीवन बदल जाती है। या तो ये बहुत हफड़ादौड़ी में लेंगे या ये बहुत ढीले लेंगे, जिसके दोनों की वजह से नुकसान है। बैलेंस नहीं ले पाते। हाँ दे हैव अ टैलेंट टू डू मल्टीपल एक्टिविटी एट अ सेम टाइम, और ऑर्थोडॉक्स विचारों का नहीं मानते। चार नंबर, धोखा भी दे सकता है। जैसे ये होते हैं, दिखते कुछ है करते कुछ है, इसी तरह इनके काम भी होते हैं। करते कुछ है, चाहते कुछ और, रिजल्ट कुछ और चाहते हैं। शब्दावली बहुत जल्दी अब शब्द में बदलने की बदल जाती है। इनका काम ना बने, ये गुस्सा बहुत जल्दी होते हैं, और फिर अब शब्दावली शुरू हो जाती है। मतलब पेशेंस लेवल लूज हो जाती है। राहु पेशेंस लूज करता है। इनका काम बन जाए तो शुक्रिया अदा करता नहीं छोड़ेंगे, थकेंगे नहीं। अब काम ना बने, इनसे बेकार कोई नहीं है। अरे इनका तो कुछ आता ही नहीं है, तो बेकार है। इन्होंने कुछ किया ही नहीं आज तक, ये एक्टिविटी बेकार है सारी। सब नकारात्मक है उस समय में, सब नकारात्मक है। या काम नहीं मतलब सब नकारात्मक है। ये प्रशासन ही सही नहीं है, ये लोग ही सही नहीं है, सब चोर है। इनका काम बन जाए सब बढ़िया है। फिर इनकी भाषा ऐसी होगी, अरे प्रशासन में थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो होती है, कोई बात नहीं, बट काम तो हो रहा है ना। तब इनकी बातें ऐसी होंगी। मानसिक रोग से बहुत जल्दी ग्रस्त हो जाते हैं लोग, और इनको पेट और पाचन की शक्ति में तकलीफ और या सर दर्द की तकलीफ आमतौर पर रहती है। रिश्तों में निजी संबंध की गहराइयों को समझ पाने में इन्हें दिक्कत होती है। दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते। अगर इन्हें कोई गिफ्ट देगा ना, कितने का था गिफ्ट ये? अरे इसकी तो 500 रुपए की गिफ्ट की वैल्यू है, तो वैल्यूशन करने बैठेंगे हर चीज की। ये ऐसे नहीं देखेंगे कि अरे इसका इमोशनल क्रेडिट कितना था, ऐसे नहीं देखेंगे। दो नंबर वाला, तीन नंबर वाला उसका इमोशनल कनेक्ट करेगा, उसका दो नंबर वाला उसका सम्मान लेगा। सम्मान दिया उसने, थैंक यू, अच्छा है। चार नंबर वाला भी इसको थैंक यू तो करेगा, बाद में देखिएगा अल्टा पल्टी करके, अरे कितने का था ये? 400 रुपये का। वैल्यूशन करने की बहुत ज्यादा आदत होती है। तो रिश्तों की गहराई को, रिश्तों की गरिमा को, रिश्तों के कनेक्ट को, उसमें इनको थोड़ा टाइम लगता है, दिक्कत होती है। दम देर से समझते हैं लोग, ये लोग काफी देर से समझते हैं। इसलिए इनके पारिवारिक जीवन भी थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति रहती है। अभी दो नंबर में, सॉरी चार नंबर में आते हैं, 4, 22, 13, 31। 13 और 31 में तो 1 और 3 का साथ है, 22 में डबल 2 का साथ है। तो दो बार दुग्गी मिला के 4 जो बने हैं, इन्हें अपनी मानसिक शांति का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, या नॉट अग्रेसिव एक्चुअली रियली, ये बहुत ज्यादा पेशेंस लूज करते हैं, अपनी ऊर्जा को छोड़ते हैं, या इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, या डिप्रेशन हो जाता है इनको, जल्दी घबरा जाते हैं। दो नंबर डबल दो वाले लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, मानसिक तनाव के बहुत जल्दी पीड़ित हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको इच्छा रहती है कि पैसा कमाना किसी तरह भी, व्हाट एवर इट मे टेक्स, राइट और रॉन्ग आई डोंट नो, बट लेट्स अर्न मनी। और जिसकी वजह से थकान भी वो जल्दी होती है, इनको ऊर्जा
वीक हो जाती है जल्दी। बट इनमें इनकी क्षमता होती है, अगर ये लोग तरीके से अगर लगे रहें पॉजिटिवली ऑप्टिमिस्टिक विचारों के साथ, दे कैन रीच टू द हाइट्स। डबल दो वाले लोग वो लोग होते हैं जिनकी कल्पना शक्ति बहुत दूर जाती है, जहां पे आमतौर के आम लोगों की कल्पना शक्ति रुकती है, ये लोग वहां से शुरू करते हैं कल्पना शक्ति। ये वो लोग होते हैं। डबल दो वाले इकतीस में 13 में एक नंबर का साथ है, एक और तीन का साथ है, एक नंबर लीडर और तीन नंबर गुरु। सो ये लोग स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, स्ट्रांग बहुत स्ट्रांग चैलेंजेस को लेने में माहिर होते हैं, लेकिन इनके आइडियाज जो होते हैं वो ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते, फिक्स होते हैं। चार नंबर आइडियाज को परिवर्तनशील है, चार नंबर बहुत ज्यादा ट्रिकी है, वेरी ट्रिकी। अभी कुछ बोल रहा है, सोच कुछ रहा है और चाहेगा कुछ और। अभी सोच रहा है कि मुझको ये काम के लिए ना ये एक्टिविटी को इस ए तरीका वन चाहिए। दिमाग में चल रहा तरीका वन तो चलो चल रहा, तरीका बी क्या होगा, व्हाट इज बी एंड व्हाट इफ द रिजल्ट इज लाइक सी। यानी कि इनकी जो शब्दों में और इनके काम में है ना, इनमें तालमेल नहीं बैठता जल्दी अपने आप में, इसलिए कंफ्यूज होते हैं। इसलिए जो ये करने के बाद जो रिजल्ट आता है, सामने जो सबॉर्डिनेट काम करके रिजल्ट देता है, वो रिजल्ट को बाद में बोलेंगे कि अरे मैंने ऐसे थोड़ी बोला था करने के लिए, मैंने ऐसे बोला था करने के लिए। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स उनके अंदर में तो भले ही हो या ना हो, सामने वाले को बता पाने में दिक्कत आती है, जिससे रिजल्ट्स में दिक्कतें आती हैं। मतलब ये 4 नंबर है। बट ये 13 नंबर अगर हुआ तो ये बहुत स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर है, अपनी बात को तजीब से तरीके से समझाएगा, अपने आइडियाज फिक्स रहेंगे आमतौर पर, ज्यादा चेंजेस नहीं करते। एंड दे नीड इट द वे दे सेड। जिसके वजह से सामने वाला कई बार इनके साथ काम करते हो ना घुटन महसूस करता है, क्योंकि ये किसी को आगे नहीं बढ़ने देते, ये किसी को आगे जाने की जगह नहीं देते, स्पेस ही देते। ये चाइना वाला स्पेस ही देता जल्दी से काम काम करने के लिए लोगों को, क्योंकि खुद चुनौती पसंद है, एक्सपेक्ट करता सारे चुनौती लें। खुद के काम करने के तरीके ऐसे हैं, एक्सपेक्ट करता कि सामने वाला अपने आप। इनका क्या है कि ये लोग ज्यादा दूर की सोचते हैं, ज्यादा लंबी सोचते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं सब ऐसी सोचे जैसे ही सोच रहे हैं, तो काम करना बड़ी दिक्कत। अगर बॉस इज 4 नंबर, इट्स वेरी टफ टू वर्क विद हिम, दे आर वेरी डिमांडिंग देन। अपने जो काम दे दिया इन्होंने दूसरे काम में, आमतौर पर दखल अंदाजी नहीं करते, बट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज वेरी वीक। इन्हें बोला जाता है हट योगी, मतलब एक पाँव पे खड़ा साधु, हट योगी। जैसे मैं शुरू में बताया, अगर किसी चीज को डिटर्मिंड हो जाते हैं, देन व्हाट एवर इट मे टेक्स दे विल डू इट। इनके शत्रु बहुत जल्दी पैदा होते हैं, क्योंकि ये किसी को स्पेस ही देते हैं, क्योंकि चुनौतियों से खेलने की आदत है, तो इनके शत्रु बहुत जल्दी होते हैं। किसी के फायदे से इनको फायदा मिल गया, इन रिटर्न उसको कितना बेनिफिट देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेहनती बहुत होते हैं ये लोग, जी जान लगा देते हैं मेहनत मेहनत में, पूरी शक्ति लगा देते हैं, बुद्धिमान भी बहुत होते हैं, बट भौतिक चीजों की वस्तु की इच्छा इनकी प्रबल होती है। अगर वाइफ 4 नंबर है, शी इज वेरी अफेक्शनेट अट्रैक्टिव, शी हैव आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन ड्रेसिंग,
स्ट्रॉन्ग पावरफुल बट रिजर्व फ्लेक्सिबिलिटी, रोमांटिक है रिस्पॉन्सिबल है इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर छेड़ा तो मूड को छेड़ा तो देन स्ट्रॉन्ग हेड एंड तो बहुत स्ट्रॉन्ग हेड है, तो देन फिर आगे आप देखना ताव जो मन में आया वो बोला, देन शी इज वेरी क्रूल। ये अगर चार नंबर हस्बैंड का है, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर टुवर्ड्स फैमिली, दे आर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गली अफेक्शनेट, बट इनकी अफेक्शन में एक दिक्कत, एक मिसिंग ये है, दे आर वीक इन अंडरस्टैंडिंग दी फीलिंग्स ऑफ स्पाउस स्पेशली। जो जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अगर स्पाउस गिफ्ट भी लेके आई है, अरे गिफ्ट क्यों ले आई, 500 रुपये खराब कर दिए, 5000 रुपये खराब कर दिए, अरे इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू तो कितने का लाई तुम, 1000 का, 800 रुपये का मिलता है बाजार में, मेरे से पूछ तो लेते, पिछले महीने तो परफ्यूम लिया था एक और ले आई। सो द फीलिंग मिसिंग, दिमाग से बात करेंगे, डजंट मीन कि दे आर नॉट अफेक्शनेट, बट एक्सप्रेशन एक्सप्रेसिवनेस और रिलेट टू दैट फीलिंग इज वीक, दे आर डोमिनेटिंग, दे आर डोमिनेटिंग एंड दे अपसेट वेरी इजली एंड वेरी फास्ट। इन्हें डिस्टर्ब करना बहुत आसान है, इनके माइंड सेट को डिस्टर्ब करना बहुत आसान है। हेल्थ अलाइनमेंट में अगर देखें, सो देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज वीक, पहले भी बताया था इनको पेट की तकलीफ रहती है। योगा इज वेरी गुड फॉर 4 नंबर, वेरी, योगा की एक्टिविटी अगर निरंतर करें 4 नंबर वाले बिल्कुल फिट बढ़िया रहते हैं दिमागी तौर से भी, सिर दर्द बैक एक मेंटल डिस्टर्बेंस इज अ नॉर्मल थिंग फॉर देम, सोचते बहुत है 4 नंबर वाले, बहुत सोचते हैं, सोच सोच के अपने सिर में दर्द कर देते हैं, बिकॉज दे कैरी फॉरवर्ड द टॉपिक, ये छोड़ते नहीं जल्दी से टॉपिक को, किसी से अनबन हो गई ना तो उस टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, है बदला लेने की भावना बहुत स्ट्रांग होती है इनमें। एंड सो दे आर सेल्फिश ऑल्सो, फाइनेंस के मामले में झूले जैसा सिस्टम होता है, बट दे मेंटेन गुड फाइनेंस, लेकिन जीवन में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। Okay. 4 नंबर की कुछ विशेषताएं थी।